झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आडी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर शेयर बाजार का अपडेट, कम्युनिटी बाजार का अपडेट और आज का राशिफल। शुरुआत करेंगे यहां पर सबसे पहले राशिफल से और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश आडी जी एवं मार्केट टाइम के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल और मार्केट टाइम्स टीवी के सभी प्रयासों से यह शो प्रसारित हो रहा है आज 10 मार्च 2022। आज के शो में हम चर्चा करेंगे एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावना होगी, शेयर बाजार की हलचल और नॉन एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावना बनेगी। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नापा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की है 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन शुभ और मंगलकारी रह सकता है, लाख कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। पृथ्वी तक की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि आज आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है। 3, 7, 11 यानी वायु तक की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि आपके लिए दिन संभव से मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती है, आय और मुनाफा हाथ से निकल सकता है, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। 4, 8, 12 यह है जल तत्व की राशियां यानी कर्क, वृक्षिक और मीन राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है। ये अर्थात आज का राशिफल। ये अखिलेश जी। जी कर्नल जी, इसके साथ कर्नल अजय जी बात करें यहाँ से, अगर आप कम्युनिटी बाजार की, तो कम्युनिटी बाजार में आज आपको क्या हलचल लगती है, खास करके एग्री कम्युनिटीज के अंदर? शुरुआत अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स से करें तो ग्वार में आज हमने कुछ बढ़त बनते हुए देखी है, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, ग्वार चीट के अंदर आपको याद होगा कल भी हमने यही कहा था कि ग्वार चीट की फंडामेंटल बहुत मजबूत है, ये सिर्फ एक महज एक टाइम फ्रेम वाली बात है। और यहाँ तक इंटरडे ट्रेडिंग का सवाल है, मुझे जो है ग्वार चीट के अंदर तेजी की संभावनाएं नजर आ रही है। जी गणेश जी, जी बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो आज किस मसाले में आज आपको कितनी मंदी तेजी लगती है, क्योंकि हमने देखा है कि धनिया और जीरे में आज कुछ बढ़त देखने को मिली है? देखिए, धनिया के अंदर भी आपको याद होगा हम लगातार इसमें तेजी की बात कर रहे हैं, जब गिरावट थी उस वक्त भी कह रहे थे कि धनिया के अंदर पाइपलाइन जो है वो खाली है और उसका उत्पादन भी थोड़ा सा कम हुआ है। पूरी डिटेल हमने अपने पिछले शो में दी थी धनिया के ऊपर, आपको याद हो तो धनिया के अंदर कल भी अच्छी तेजी थी, आज भी मुझे लगता है कि इसमें तेजी बनी रह सकती है। जी जीरे के ऊपर नॉन एग्री की, तो नॉन एग्री का बाजार आज हमने टूटता हुआ देखा है, चाहे सोना हो, चांदी हो या फिर कच्चा तेल और बेस मेटल्स हो, नॉन एग्री का बाजार आज पूरा टूटा है। सोने चांदी में आपको अब क्या लगता है, क्योंकि देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोना $2000 के नीचे आ चुका है, तो क्या अब यहाँ से सोने चांदी में यहाँ से कुछ गिरावट बनेगी या फिर जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है? देखिए, बुलियन पैक के अंदर मैंने हमेशा यही कहा है कि बुलियन तेजी दिखाता है जियोपॉलिटिकल टेंशन के आधार पर, बुलियन तेजी दिखाता है जियो इकोनॉमिकल टेंशन के आधार पर। जैसे जैसे शांति होगी वैसे वैसे इसके अंदर कुछ फर्क आएगा। ये बहुत शानदार इसने मूवमेंट कर दी है और आपको याद होगा कल के हमारे शो के अंदर हमने सबसे पहले दर्शकों को आपके माध्यम से रूस और यूक्रेन के बीच में शांति की बात की डेट्स की घोषणा की थी। और उसके बाद देखिए बाजारों के अंदर और संभवतः इसको सभी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं और तो मुझे लगता है कि इसका असर आ रहा है। और बुलियन के अंदर कल मुनाफा वसूली हुई थी और मुनाफा वसूली मेटल्स में भी रही थी, ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ बुलियन में रही थी, मेटल्स के अंदर भी रही थी, निकल्स भी रही थी, कॉपर भी ऊपर स्तर से टूटा था। और ये जो तेजी और मंदी के जो खेल हैं वो बाजारों में हमेशा से होते हैं और होते रहेंगे, क्योंकि अभी एक तरफा कोई भी चीज नहीं चल सकती। आपको याद होगा कि हम हमेशा ये कहते हैं कि सांस लेनी है तो सांस छोड़नी भी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सांस लेते जाए लेते जाए लेते जाए और लेके, क्योंकि जो शरीर हो चाहे व्यापार हो,
साथ लेना, रोकना और नीचे छोड़ना, यानी रेचक पूरक और कुंभक का ये एक योग का एक सिद्धांत है कि आप लंबी समय तक सांस लें, फिर उसको रोके और उसके बाद में फिर उसको सांस को छोड़े और उसके बाद फिर पूरा पुनः लें। यही बाजारों का नियम है, यही संसार का और प्रकृति का नियम है। और इसको आप चाहे ट्रेड साइकिल कह लें, बिजनेस साइकिल कह लें, या फिर वेव थ्योरी कह लें, या कैंडल स्टिक पैटर्न कह लें, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से इसको समझाने की बात की गई है। तो जो टेक्निकल लेवल के हिसाब से ये मुनाफा वसूली थी, लेकिन जिन्होंने शॉर्ट किया था उनको सलाह है, जिन्होंने बिकवाली कर दी थी उनको सलाह है कि एक बार उन्हें थोड़ा सा थम जाए, अपना मुनाफा वसूल कर ले शॉर्ट में से, यानी बिकवाली की है तो उसमें से मुनाफा वसूल कर ले। ये क्योंकि जब तक छोटी अवधि के जो खिलाड़ी हैं, छोटे अवधि के जो निवेशक है, टाइमली प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो बाइंग है चाहे सेलिंग है। तो शॉर्ट किया है उसमें प्रॉफिट बुक करने, यही मैं आपको एक इशारा देना चाहता हूँ। और एक और चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लें, चाहे वो बाइंग के हो, चाहे सेलिंग के हो, चाहे एग्रो कमोडिटीज में हो, स्टॉक मार्केट में हो, नॉन एग्रो कमोडिटीज में हो, आप अपनी क्षमताओं से बढ़कर कभी काम नहीं कर सकते। ग्रीड और लालच, यानी कभी लालच और घबराहट, ये दो शत्रु हैं व्यापार के। इन दोनों से बच के कब चलेंगे, तो जब आप अपनी क्षमताओं में काम करेंगे आपको परेशानी नहीं आएगी। और जो इस नियम को तोड़ेगा वो तो निश्चित रूप से बड़ी परेशानियों का सबब उठाता है, उठाता रहेगा और कभी भी बड़े नुकसान का सबब बन जाएगा। ये विशेष ख्याल रख लीजिए। इसके साथ कर्नल जी बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल का बाजार भी टूटते हुए देखा है हमने, कहां कल $139 तक ट्रेड करता नजर आ गया था और कहां आज $125 के आसपास ट्रेड करता नजर, बल्कि $114 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कच्चा तेल भी अब ठंडा पड़ जाएगा? देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये क्रूड ऑयल जो है इसकी जो प्राइसिंग है वो रशिया के वजह से बढ़ रही है, क्योंकि रशिया लगभग एक तिहाई जो तेल है वो यूरोप को सप्लाई करता था और अमेरिका ने जो बंदिश लगाई थी तो उसका असर की वजह से तेल की प्राइसेस के अंदर बड़े बेहताशा तेजी दिखाई दी थी। और उसका ईरान का भी तेल बाजार में अब आएगा और कुल मिला के ऊपरी स्तरों के ऊपर मुनाफा वसूली हो सकती है। और कल जैसे हमने आपको सबसे पहले किया था, अब तो सारे बाजारों के अंदर धीरे धीरे शांति की बातें करने लगे हैं सारे चैनल, लेकिन सबसे पहले हमने आपको मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर कल आपको ये भी कहा था कि आप ये डेट ऐतिहासिक हो, ये टाइम ऐतिहासिक हो, इतिहास एक बार पुनः बने, क्योंकि आपको याद होगा हमने सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर भी आपको अग्रिम चेतावनी दी थी दर्शकों को, जो अक्सर सत्य साबित हुई। COVID-19 की खात्मे की और उसकी वैक्सीनेशन की जो बात हुई थी वो भी एग्जैक्टली हमारी सत्य साबित हुई थी, क्योंकि हमने फाइबर के ऊपर सबसे पहले भविष्यवाणी की थी। इसके अतिरिक्त सोयाबीन के ऊपर, कॉटन के ऊपर, लाल और काली मिर्च के ऊपर, इसके अलावा आप ये खाद्य तेलों पर, ये सभी हमारी भविष्यवाणियां मार्केट टाइम्स टीवी के दर्शकों के लिए बहुत लाभप्रद हुई। वीट के ऊपर भी हमने चर्चा की थी, गेहूं के ऊपर की तेजी हो सकती है, बाजरा और मक्का के ऊपर भी तेजी हो सकती है, इस पर चर्चा की थी। और ये भी एक मैं चाहता ये जीत हो, ये ऐसी हमारी कामना है, क्योंकि ये जीत मेरी या मार्केट टाइम्स टीवी की या जयस्टोवानी ग्रुप की नहीं है, ये हमारे ऋषियों की जीत है, हमारी पद्धति की जीत है, जिसका एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि हम पूरे विश्व को बता सकें कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की ताकत क्या है। तेजी में तेजी कहने वाले और मंदी में मंदी कहने वाले आपको 1,00,000 लोग मिल जाएंगे और आगे भी मिलेंगे, लेकिन मंदी में तेजी की बात करने वाला और तेजी में मंदी की आगे एडवांस बताने वाला जो चैनल है वो अजय सोमनी गुरु फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि भारतीय पद्धतियों की ताकत का अंदाजा हम आपको दें और भारत पुनः विश्वगुरु बने, ऐसी हमारी कामना है। इसी के साथ कर्नल जी बात करें यहाँ से, अगर आप स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आपको क्या लगता है, आज चुनाव की काउंटिंग भी है, आज नतीजा सामने आ जाएगा, तो उसका असर स्टॉक मार्केट पर कितना देखने को मिल सकता है और स्टॉक मार्केट अब कैसी ट्रेड करती नजर आएगी? देखिए, हमने कल भी कहा था कि छत्र भंग राज योग हो रहा है, कुछ प्रदेशों में सरकारें आगे पीछे होंगी
और ऐसे ही कुछ होता नजर आ रहा है। और जहां तक ये पांच राज्यों के चुनाव का सवाल है, इसके अंदर मुझे लगता है कि बीजेपी लीड करेगी और इससे इसका बाजारों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आपको याद होगा हमने पिछले शो के अंदर आपको इंफोसिस, विप्रो, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सभी पे आपसे चर्चा की थी और कहा था कि निचले स्तर पे माल आप खरीदें तो आप निश्चित रूप से फायदा उठाने की स्थिति में रहेंगे और अच्छे चुनिंदा नगीने आप ढूंढ लोगे गिरते बाजारों में और उसमें आप निवेश कर लेते हो तो आप, मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया मौका नहीं होता, क्योंकि ये मौके हर बार आपको बार बार मिले ये जरूरी नहीं है। तो मौके आपको साल में दो तीन बार ही मिलते हैं, उन दो तीन बार के ऊपर जो उसको समझ के अपने अध्ययन से, अपने कन्वेंशन से, अपनी ताकत से जो निवेश करता है उसको फायदा होगा, क्योंकि 18,000 से ऊपर मिट्टी के ऊपर आप निवेश करेंगे और आदि आप 15,700 पे आप निवेश करेंगे तो जब जमीन और आसमान का आपको प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट ये है कि निचले स्तर पर जब भी बाजार जाते हैं उसके अंदर आप माल खरीदिए, ऊपरी स्तर के ऊपर आते हैं तो प्रॉफिट बुक कीजिए। और अक्सर होता ये है कि जब तेजी आती है तो सब तेजी बात करने लगते हैं और वो तो उसके बाद जब बाजार गिरते हैं तो वो दोनों जगह से फंस जाते हैं और फिर वो मंदी की बात करने लगते हैं तो फिर वो शॉर्ट करता है तो दोनों जगह फंस जाता है। तो कन्वेंशन जब तक नहीं होगा, समझ नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, अध्ययन नहीं होगा तो वो आप काम कर ही नहीं सकते हैं। ये चीज जीरे और धनिया में भी लागू है, ये चीज कॉटन और कपास खली में भी लागू है, ये मक्का और गेहूं में भी लागू है, ये सोयाबीन और सरसों में भी लागू है। अरे जब तुम नीचे माल गिर रहा है उस वक्त यदि आपको आगे की समझ नहीं है तो आप व्यापार कर ही नहीं सकते। आप उन लोगों की बिल्कुल मत सुनने की कोशिश करें जो तेजी आते ही सारी तेजी तेजी चिल्लाते हैं और जो मंदी आते ही पूरी मंदी मंदी आ चिल्लाते हैं, वो निश्चित रूप से आपको दोनों जगह परेशानी खड़ी कर देते हैं। कपास खली पे 3400 से ऊपर का भाव गया था, हमने कहा था इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लो क्योंकि ये ऊपरी लेवल के भाव हैं, नीचे आएगा फिर खरीदिए, इसका तो बाजार कहीं गया थोड़ी है। और 10% के आसपास कपास खली के अंदर उसके बाद गिरावट हुई, सब मंदी मंदी मंदी। तो मेन चीज ये है कि ऊपरी स्तरों पर यदि आप मुनाफा नहीं वसूल करोगे तो आप प्रॉफिट कभी भी बुक नहीं कर पाओगे और धीरे धीरे बाजारों से दूर हो जाओगे, चाहे फिजिकल में करोगे चाहे फ्यूचर में करोगे। ये अखिलेश जी। जी कनर जी, तो यानी कि वक्त पे प्रॉफिट बुक करना काफी इंपॉर्टेंट है अगर बाजार में आगे बढ़ना है तो। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार का हाल और आज आपका राशिफल। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।